Welcome dear students, today's topic is database and file system. So after completing this lecture, you will be able to describe database and its need. Then you will be able to differentiate between database system and file system. And examination point of view से ये topic बहुत ही important है. इससे generally आपके short answer question आते हैं as well as long answer questions आते हैं. दोनों ही type के questions बनते हैं. देन लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी द बेसिक ऑफ डेटाबेस. तो डेटाबेस क्या है एग्जैक्टली और उसका यूज क्या है या उसकी नीड क्या है. देन क्योंकि डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आगे जाके हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली डेटाबेस का हम क्या आर्किटेक्चर रखेंगे या फिर डेटाबेस के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज होगा. तो ये सारे ही टॉपिक्स आपस में लिंक्ड है. टूडे इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटाबेस. एंड अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो जनरली यूजर्स को या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि डेटाबेस इज समथिंग दैट इज यूज इन बिजनेस एप्लीकेशंस ओनली. बट डेटाबेस इज यूज इन एवरी डे डे टू डे लाइफ. अगर मैं बात करूँ एक ग्रॉसरी स्टोर की या फिर आपके कोई भी क्लोदिंग स्टोर की, वो सभी के सभी एक डेटाबेस को मेंटेन करते हैं ताकि वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रख सकें, देन कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखे, उनके प्रेफरेंस को ट्रैक कर सके, साथ साथ इन्वेंटरी को भी मैनेज करने के लिए कि कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, देन अकाउंटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए डेटाबेस का यूज होता है. तो तभी जो डेटाबेस है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें या एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डेटाबेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ. तो यहाँ पे हमने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. तो इम्पॉर्टेंस हमें पता चल गई. आइए समझते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन दिस टर्म कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेटाबेस. एंड जनरली लोग ये समझते हैं डेटाबेस, अगर आप किसी से पूछे कि डेटाबेस क्या होता है तो जनरली द सिंपल डेफिनेशन इज डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो मतलब डेटा आपने एक साथ रखा हुआ है तो उसको हमने कह दिया डेटाबेस. तो अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है. इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ डेटा बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा. ये जो लॉजिकली रिलेटेड वर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेटाबेस इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा. तो पहले इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं फिर ये वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे. तो डेटाबेस तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि लॉजिकली रिलेटेड डेटा होगा. सो इट विल बी रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर विच वी आर बिल्डिंग द डेटाबेस. जैसे अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड बना रहे हैं सो विल हैव कस्टमर्स, विल हैव एम्प्लॉयज, देन वी विल हैव अकाउंट्स, देन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रखेंगे हम, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखेंगे एंड सो ऑन. तो यहीं पर आप फॉर एग्जाम्पल भी मैंशन कर सकते हैं. सो डेटाबेस हैज सम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, और इनहेरेंट से मतलब है बाय डिफॉल्ट. मीन्स इसको मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने डेटाबेस बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टीज जो है डेटाबेस सेटिस्फाई करेगा. तो नेक्स्ट इज डेटाबेस. तो डेटाबेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बाय डिफॉल्ट हर एक डेटाबेस सेटिस्फाई करता है. लाइक द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सो दी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट डिफाइंस अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ मिनी वर्ल्ड. तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UOD भी लिखते हैं, तो ये इसको डिफाइन करता है या मिनी वर्ल्ड को स्पेसिफाई करता है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेटाबेस है दैट स्पेसिफाइज अ मिनी वर्ल्ड. मीन्स रियल वर्ल्ड में जैसा कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम करती है डेटाबेस उसकी एक डिस्क्रिप्शन देता है. बट ऑब्वियसली बात है रियल वर्ल्ड में जितना सारा काम हो रहा है वो सब के सब तो हम डेटाबेस में स्पेसिफाई नहीं कर सकते. सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग है वो हम डेटाबेस में रखते हैं. जिसका मतलब ये है कि अगर आपको बैंकिंग का डेटाबेस बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में बैंक कैसे काम करता है. तो रियल वर्ल्ड में कैसे बैंक काम करता है कि यहाँ पे हमारे पास बैंक है, बैंक में कुछ अकाउंट खुलवाएगा एक कस्टमर, देन उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा, देन जितना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, देन उस पर्टिकुलर अकाउंट से जो कस्टमर है वो अपने अमाउंट को विदड्रॉ कर सकता है. तो ये जो कुछ वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, विदड्रॉ, डिपॉजिट, कस्टमर, एम्प्लॉय, देन अकाउंट, फिर अकाउंट की भी अगर मैं बात करूँ सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, तो ये सब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है कि रियल वर्ल्ड में बैंक कैसे काम कर रहा है. तो
बैंकिंग का डेटाबेस बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए रियल वर्ल्ड में बैंक कैसे काम कर रहा है, और उसी का एक मैं मिनी वर्ल्ड बना सकती हूँ इन आर डेटाबेस। तो ऑब्वियस याद है, अगर बैंक में 1000 फीचर्स है तो सारे के सारे फीचर्स मैं अपने डेटाबेस में इंक्लूड नहीं कर सकती, बट सिर्फ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक कि यहाँ पे कस्टमर्स डिपॉजिट करेंगे अमाउंट, देन विड्रॉ करेंगे अमाउंट, देन वी कैन चेक दी बैलेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जो बैंक काम करता है, तो वो सब मैं अपने डेटाबेस में स्पेसिफाई करूंगी। तो इट डिफाइंस अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कस और मिनी वर्ल्ड, दैट इज फॉर बैंकिंग डेटाबेस वी शुड नो हाउ एक्चुअली अ बैंक वर्क्स। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक बैंक कैसे काम करता है, तब तक हम उसका डेटाबेस नहीं बना सकते। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट कंसिस्ट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो डेटाबेस में हम जो डेटा रखते हैं दैट शुड बी लॉजिकली रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। सो दैट मीन्स नो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ डेटा इज केप्ट इन दी डेटाबेस। अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, तो बैंकिंग डेटाबेस में एम्प्लॉय की हॉबी, ऑब्वियसली आते एम्प्लॉय की जो हॉबी है दैट इज इररिलेवेंट टू आर एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग, तो उसको रखने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इम्प्लॉयज की जो भी हॉबी हो या कस्टमर की कोई हॉबी हो वो इररिलेवेंट है हमारी एप्लीकेशन के लिए, जो हमारा बैंकिंग का एप्लीकेशन है, दैट इज वाई वी आर नॉट कीपिंग सच इन्फॉर्मेशन। सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द लॉजिकल रिलेटेड डेटा, इट डज नॉट कंटेन एनी रैंडम डेटा। सो नो रैंडम डेटा इज केप्ट इन द डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस में कोई डेटा रखा है तो दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट कीपिंग एनी रैंडम डेटा। अननेसेसरी डेटाबेस का साइज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना डेटा की जरूरत है उतना ही डेटा आप डेटाबेस में रखेंगे। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डेटाबेस इज बिल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं वो सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए, अगर आप बैंकिंग का डेटाबेस बना रहे हैं वो सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होगा, अगर आप होटल का डेटाबेस बना रहे हैं तो वो एक होटल का डेटाबेस ही होगा। आप एक बैंकिंग के डेटाबेस को कहीं और रीयूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंकिंग की वर्किंग अलग होगी एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी वर्किंग, तो ऑब्वियसली बात है आप इनको मिक्स नहीं कर सकते। सो अ डेटाबेस विल बी बिल्ड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देर इज नो डेटाबेस दैट कैन सेटिस्फाई ऑल दी एप्लीकेशन। तो ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने डेटाबेस बोला है तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। लाइक द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट डिफाइंस अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कस, या फिर हम कहें तो मिनी वर्ल्ड, मीन्स रियल वर्ल्ड में जैसे काम करता है कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो हमें पता होना चाहिए तभी हम डेटाबेस को बनाएंगे, और सारे के सारे फीचर्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कहा है मिनी वर्ल्ड नॉट द रियल वर्ल्ड। देन इट कंसिस्ट ऑफ ओनली लॉजिकली डेटा, कोई भी रैंडम डेटा डेटाबेस में आप नहीं रखेंगे, एंड इट इज बिल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। सो दिस कम्प्लीट्स डेटाबेस। तो अब से आपसे कोई भी पूछे डेटाबेस क्या होता है, लॉजिकली रिलेटेड होता है, और ये तीन प्रॉपर्टीज है जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में जरूर रहेंगी। तो डेटाबेस की अभी हमने डेफिनेशन देख ली, बट इसका नीड क्या है, हम डेटाबेस पे आए क्यों, इससे पहले क्या था हमारे पास, और ऑब्वियस बात है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हम डेटाबेस पे आए। तो पैराडिग्राम शिफ्ट जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस। तो हम बात करते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस की, मतलब डेटाबेस आया कैसे। तो विल टॉक अबाउट द नीड ऑफ डेटाबेस। सो डेटाबेस से पहले हमारे पास था डेटा, और डेटा को हमने रखा हुआ था इन मैनुअल फाइल्स। जैसे आज भी आप देखेंगे कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, जैसे जो भी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आजकल तो सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड ही हो गई, बट हम मान के चलते हैं बहुत पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमने एक फाइल में रख ली। ठीक है, उसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका पेरेंट का इन्फॉर्मेशन होगा। देन एक फाइल रखी हमने आईटी डिपार्टमेंट की, देन एक फाइल रखी हमने सीएससी डिपार्टमेंट की, राइट? फिर एक फाइल रखी हमने एग्जाम्स की। तो अगर जैसे सेमेस्टर वन है उसमें कौन कौन से एग्जाम हुए और किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है? सो दैट वाज द मैनुअल फाइल सिस्टम। तो मैनुअल फाइल सिस्टम में क्या हो गया, हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का अलग डेटा है और उसने अपनी एक फाइल बनाई हुई है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है इनकन्वीनियंट हो गया, क्योंकि हम सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली हैंड रिटन हमारे पास फाइल्स है, और हर एक फाइल को हमने एक फोल्डर में रखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर फाइल स्टूडेंट्स की होगी, ये पर्टिकुलर फाइल फैकल्टी की होगी, ये पर्टिकुलर फाइल सपोज करो
हमारे पास क्या कहते हैं एग्जाम की हो गई, ये पर्टिकुलर फाइल हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की एंड सो ऑन। तो ये काम होता था मैनुअल फाइल सिस्टम है। तो इसको बेटर करने के लिए हमने बनाया कंप्यूटर फाइल सिस्टम्स। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में क्या किया, इन मैनुअल फाइल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। तो अब जो डेटा हमने हाथ से लिखा हुआ था वही डेटा हमने इलेक्ट्रॉनिकली लिखा, बट अभी भी अलग अलग हमारे पास फाइल्स हैं। मीन्स एक फाइल होगी हमारे पास एग्जाम की, एक फाइल होगी हमारे पास स्टूडेंट्स की, एक फाइल होगी फैकल्टी की। बट क्या काम हो रहा है कि जो हमारे पास मैनुअली काम हो रहा था, जो हम हाथ से लिख रहे थे, उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिकली लिख रहे हैं। अब कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक सपोज मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि दिल्ली रीजन में रहते हैं, या वो स्टूडेंट्स चाहिए जो आउटसाइड दिल्ली में रहते हैं, तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं तो यूज़र अगर किसी डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है तो मैनुअल में तो वो रीड कर लेगा उस डेटा को, उस पर्टिकुलर फाइल में जाएगा और रीड कर लेगा। बट कंप्यूटर वाइज वो क्या करेगा, एक प्रोग्राम लिखेगा। उस प्रोग्राम को हम कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। अभी तक हमने जितनी भी बात की है उसको हम डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें हम क्या बात कर रहे हैं। We add various files and these are the manual file system. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हैंड रिटन फाइल्स थी, जैसे कि आज भी आप पुराने डिपार्टमेंट्स में देख सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं हो रहा, तो वो फाइल्स को हाथ से लिख रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहे हैं। जैसे बैंक्स की भी अगर हम बात करें तो ये फाइल है कस्टमर्स की, ये फाइल है एम्प्लॉय की, ये फाइल है सेविंग्स अकाउंट की, ये फाइल है चेकिंग्स अकाउंट की। हर एक डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपनी फाइल बना ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कंप्यूटराइज कर लिया। तो कंप्यूटराइज में सपोज करो क्या, तो अब हमने इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, ऑब्वियसली आता है हाथ से लिखना बहुत डिफिकल्ट है हर चीज़ को मेंटेन करना, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूट कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ दी कंप्यूटराइज फाइल। जैसे मैंने यहाँ पे एक शो किया है एक फाइल ऑफ कस्टमर्स, तो अलग अलग कस्टमर्स की एक फाइल बनाई हुई हमने। जैसे कस्टमर का एक नंबर दे दिया, कस्टमर नंबर वन जिसका नाम है कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम है राम एंड उसका एड्रेस लिखा है, एक कॉरस्पॉन्डिंगली उसका एड्रेस है। अब जैसे उस एड्रेस में आ रहा है दिल्ली, तो मुझे वो कस्टमर्स चाहिए जो दिल्ली रीजन में है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल मेक अ प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिख दूंगी। उस प्रोग्राम का काम क्या होगा, उन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन वो लेगा जो कि दिल्ली रीजन में रहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा है, मतलब सिंपली एक प्रोग्राम लिखा है, बट ये प्रोग्राम यूजर के लिए है, तो तभी हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम इसका नाम दिया है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का काम क्या है कि ये उन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा जो कि दिल्ली रीजन में है। अब अगर मुझे उन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनका बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, एक और एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख दूंगी। अगर मुझे उन कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सपोज करो उनकी एज 30 इयर्स से प्लस है या फिर 18 इयर्स से कम है, उन सब के लिए मैं अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखूंगी। मीन्स जो भी मेरी क्वेरी है उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखूंगी और ईजिली उन्हें एक्सेस कर सकती हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं मैनुअल फाइल सिस्टम से तो बेटर हो गया, मैं इन्फॉर्मेशन को ढूंढूं, उससे अच्छा तो एक प्रोग्राम लिखूं, वो प्रोग्राम इस फाइल को एक्सेस करेगा और ऑटोमेटिकली मुझे आंसर दे देगा। सो दिस कंप्यूटराइज फाइल विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें यह एप्लीकेशन प्रोग्राम विद दिस कंप्यूटराइज फाइल्स विद दिस कंप्यूटराइज फाइल इज रेफर्ड टू एज द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ने देखो मेजरली क्या फॉलो किया है, इसने मेजरली फॉलो किया है एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से मतलब है कि अलग अलग फाइल्स है, अभी भी कस्टमर की भी अलग फाइल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, बट कस्टमर की अलग फाइल है, एम्प्लॉयज की अलग फाइल है, देन सेविंग्स अकाउंट की अलग फाइल है, चेकिंग अकाउंट की अलग फाइल है, हर एक चीज की अलग फाइल है। तो FPS जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसने फॉलो की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, सारा डेटा अलग अलग स्कैटर्ड है। तो इस पे इम्प्रूवमेंट किया एंड हमने क्या किया, डेटा को सब सारे डेटा को एक जगह रख लिया एंड दैट इज रेफर्ड टू एज दी डेटाबेस। तो डेटाबेस ने एक सेंट्रलाइज अप्रोच अपनाई, उसने क्या कहा, जितना भी डेटा है मैं एक ही साथ रखूंगा एंड ये डेटा क्या आ रहा है, अलग अलग फाइल्स में से आ रहा है। तो वी हैव वेरियस फाइल्स, उन फाइल्स में से जितना भी डेटा हमने एक साथ इकट्ठा करके रख लिया इन दी डेटाबेस
एंड जो भी यूजर्स हैं दे कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये जितने भी यूजर्स हैं दे कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं रही, या फिर हम ये कह सकते हैं अभी भी जरूरत है, बट बहुत स्पेसिफिक केसेस में उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। बट दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस। इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी इनको हम शॉर्टली लिखेंगे, बट ये समझना जरूरी है तभी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, मैनुअल फाइल सिस्टम हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पे हमने हैंड रिटन फाइल्स लिखी, फिर हमने सोचा कि नहीं हाथ से लिखना बहुत मुश्किल है तो हमने उसे कंप्यूटराइज चेंज कर दिया। अब उसमें से कोई भी डेटा लेना है उसके लिए हमने प्रोग्राम लिख लिया। तो हर जो अलग क्वेरी है यूजर की, हर एक यूजर को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे हमने, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे, इसको टुगेदरली दिस इज नोन एज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम होंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया डेटाबेस सिस्टम, और डेटाबेस सिस्टम ने एक चेंज किया, उसने सारा डेटा एक साथ रखा। अब सारा डेटा एक साथ रखने का क्या एडवांटेज होगा उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे यूजर्स जो है डेटाबेस को एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विदाउट राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, कुछ बहुत ही मेजर काम अगर उन्हें करना है तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल क्वेरी के लिए, अगर ये जानना है कि कौन सा कस्टमर दिल्ली रीजन में रहता है, तो इतनी सी बात के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है। बट हालांकि डेटाबेस सिस्टम में भी एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट फॉर ओनली कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो अब नीड ऑफ डेटाबेस के लिए हम मेंशन करते हैं दैट, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द नीड ऑफ डेटाबेस। तो बिफोर डेटाबेस वी हैड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, हमारे पास थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और जैसे कि मैंने बताया दैट इज द कंप्यूटराइज फाइल विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो दैट हैज ओएस फाइल्स, मीन्स कंप्यूटराइज फाइल्स, कंप्यूटर में जो फाइल्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, अगेन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज ओएस फाइल्स टुगेदर विथ प्रोग्राम्स टू मैनुपुलेट दोज फाइल्स, मीन्स कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे जो इन फाइल्स को मैनुपुलेट करेगा या फिर क्वेरी करेगा। जैसे मैंने बोला कि उन कस्टमर्स का नाम जो कि दिल्ली रीजन में रहते हैं, सो वी हैव सम प्रोग्राम्स टू मैनुपुलेट दोज फाइल्स, एंड उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स विद दी एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो FPS फॉलो decentralized अप्रोच। तो यहाँ पे FPS का मेजर डिसएडवांटेज जिसको हम कहेंगे और जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे, मेजर डिसएडवांटेज क्या है, इट इज फॉलोइंग अ decentralized अप्रोच, मीन्स ईच डिपार्टमेंट स्टोर एंड कंट्रोल इट्स ओन डेटा। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का डेटा मेंटेन करेगा और खुद का ही डेटा कंट्रोल करेगा। तो अगर कोई डिपार्टमेंट है कस्टमर का, तो सिर्फ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन वो रखेगा, उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन रखेगा। अगर एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय का, तो सिर्फ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखेगा। एक डिपार्टमेंट है सेविंग्स अकाउंट का, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, एंड सो ऑन। तो FPS क्या करता है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच करता है कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम करेगा। तो अब डिसेंट्रलाइज अप्रोच से, या अगर मैं FPS की बात करूँ कि व्हाट आर दी मेजर ड्रॉबैक्स, तो जो FPS के ड्रॉबैक्स है उसकी वजह से ही हमारे पास डेटाबेस की नीड आई। सो नेक्स्ट विल स्टडी दी ड्रॉबैक्स ऑफ FPS सिस्टम। But before going further, we'll do a quick knowledge check. So we have already talked about what is basically database, uski definition, uski properties, as well as what is the need of database.